हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएफओ इंटरनेट में। देखिए, सीयूईटी का रिजल्ट जारी हो चुका है। मैंने ये वीडियो इन दोस्तों के लिए बनाया है जो सीयूईटी का एग्ज़ाम दिए हैं और रिजल्ट अपना देख चुके हैं और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका परसेंटाइल और जो एनटीए का नॉर्मलाइज स्कोर है। तो देखिए, आपका जो है एडमिशन आपके परसेंटाइल स्कोर से कोई मतलब नहीं है। जो आपका मेन एनटीए का नॉर्मलाइजेशन स्कोर है उसी के हिसाब से आपकी जो है वो काउंसलिंग होगी। मेरिट हर यूनिवर्सिटीज उसी हिसाब से आपकी बनाएंगी। तो आप जो है किस बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के आपको एडमिशन वाली वेबसाइट पर जाके आपको वहाँ से अपना काउंसलिंग प्रोसेस करना होगा। तो उसके लिए आपको डिटेल्स में सभी यूनिवर्सिटीज़ का मैं काउंसलिंग प्रोसेस लेके आया हूँ। देखिए, सभी यूनिवर्सिटी का अलग पोर्टल है। देखिए, डीयू यूनिवर्सिटी इस समय ज़्यादा दिलचस्पी लोग डीयू यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, फिर बीबीएयू है आपका लखनऊ, उसके बाद में बीएचयू है, फिर एकेटीयू है, उसके बाद में कानपुर की यूनिवर्सिटी है सीएसजेएम, उसके बाद में आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो और मदन मोहन मालवीय गोरखपुर की यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ों में से आती हैं। तो और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन जिनमें आपका हो सकता है, तो सबके अलग अलग पोर्टल हैं, आप वहां से एडमिशन ले पाएंगे। तो जो है आइए आपको हम वेबसाइट पर ले चलते हैं, पहले डीयू यूनिवर्सिटी के। और लगभग ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का लिंक जो है आप वहाँ पर कैसे आपको यूनिवर्सिटीज़ के लिंक पे जाना है आपको मैं बताऊंगा अभी वेबसाइट पे। तो आइए सीधे आपको वेबसाइट पे ले चलते हैं। पहले तो आपको देखिए क्रोम पे आना है और यहाँ पे क्रोम पे अपना टाइप करना है अपने यूनिवर्सिटी डी यू एडमिशन लिखेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि आप अगर डी यू यूनिवर्सिटी लिख देंगे तो आप जो है आपको भरना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो आप उस मेन वेबसाइट पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन डीयू एडमिशन लिखेंगे, उसके बाद में यूजी एडमिशन दिखाई दे रहा है आपको, admission.uod.ac.in, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए जो है एडमिशन 2022-23 जो वेबसाइट का इसके नाम है CSAS 2022, यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इसका नाम है। अब यहाँ से आप जो है इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए जो लिंक चल रही थी मैंने उस पर क्लिक किया, उसके बाद में आप यहाँ पे अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है ₹250 आपको चार्ज लगेंगे और एससी और एसटी के पीडब्ल्यूडी के ₹100 चार्ज लगेंगे। तो सीयूटी का आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा और यहाँ से आप अपना लॉगिन हो सकेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। यहाँ से साइन इन भी आप फिर कर पाएंगे। नया रजिस्ट्रेशन पहले आप करेंगे, आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पूरा जो है डेटा फीड करना होगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सीयूटी के हिसाब से, फिर रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप साइन इन होके आप एडमिशन लेना ले लेंगे आप बीए में या फिर जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीए बीएससी ईटीसी। तो ठीक इसी प्रकार से आपको कई यूनिवर्सिटीज़ का बीएचयू का भी ऐसे ही आपको आना होगा बीएचयू यूनिवर्सिटीज़ में। देखिए बीएचयू यूनिवर्सिटी में आ चुका हूँ मैं और यहाँ एडमिशन्स के लिए क्लिक करेंगे। और देखिए जो एनटीए का एग्ज़ाम हुआ है और इसका पीईटी के थ्रू एग्ज़ाम करवाती है, तो सबका अलग अलग वेबसाइट है, तो उस हिसाब से आप जो है जाके अपना यहाँ से पूरा डिटेल देख सकते हैं। एडमिशन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो एनटीए से कंडक्टिंग हुई है यूईटी, और क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इसका डिटेल हम पूरा जान पाएंगे। और यहाँ से हम अपना जो है स्कोर कार्ड वगैरह सब देख पाएंगे और हेल्प डेस्क सब डिटेल यहाँ से देख पाएंगे और एनटीए से इम्पोर्टेंट लिंक यहाँ से क्लिक करके मिल जाएगा आपको। तो और इसी के अकॉर्डिंग आप जो है सीधा आपको सीयूईटी एडमिशन आपको जिस यूनिवर्सिटी से में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसके बाद में
कानपुर डाल दीजिए तो उस अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपके लिए बेटर है कि आप बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।